हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है टेकमेन का एक नया वीडियो पे। दोस्तों अभी के टाइम पे ना स्मार्टवॉच काफ़ी इंपॉर्टेंट गैजेट बन चुका है हम लोगों के लाइफ पे, हम लोगों का हर एक स्टेप देखने के लिए, कितना कैलोरी बर्न हो रहा है, कौन सा कॉल आ रहा है। क्योंकि अब के टाइम पे जितने भी स्मार्ट वॉच है ना वो सच में काफ़ी स्मार्ट है, जिस स्मार्ट वॉच के थ्रू आप सारे काम कर सकते हो। तो ऐसे रियलमी की तरफ से और एक स्मार्ट वॉच का आने का बात चल रहा है जो दिसंबर 23 को लॉन्च होने वाला है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं रियलमी वॉचेस प्रो। तो इस Realme Watches Pro जो है इसके बारे में आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे, देखते हैं क्या है स्मार्ट वॉच के अंदर, कैसे काम करते हैं, कितना बैटरी है, कितने प्राइस के साथ आप लोगों को ये जो स्मार्ट वॉच है ये देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों ये जो Realme Watches Pro है इसका काफी सारे जो डिटेल्स है वो हम लोगों के पास आ चुका है, बट ऑब्वियसली एक लीक्स के तौर पर। बट मेरे को जितना लगता है कि जिस टिप्सटर की तरफ से ये लीक्स आया मिस्टर मुकुल शर्मा, वो जितना दूर तक बोलता है ना लगभग उसी के टाइप का जो है फाइनल रिजल्ट निकलता है। तो यहां पे मुकुल शर्मा जी ने बोला है कि ये जो वॉचेस प्रो है इसके अंदर आप लोगों को 1.39 इंच का एक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगा, उसके साथ 580 mAh का वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिलेगा, जहां पे आप 50 मीटर तक वाटर के नीचे तक जा सकते हो इसको लेके। इवन दोस्तों उसके साथ आप लोग यहां पे 14 डेज का रन टाइम मिल रहा है, मतलब अगर आप एक बार चार्ज करते हो तो 14 दिन तक आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। और इसके पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ है वो है 420 mAh का जो बैटरी लगा हुआ है इस वॉच के अंदर। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी अच्छा बात है, बिकॉज एक बार चार्ज करके 14 दिन का बैटरी बैकअप, मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा किसी को बैटरी बैकअप चाहिए भी, दिस इज़ मोर देन सफिशियंट। उसके साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप लोगों को स्टेनलेस स्टील का एक केस देखने को मिलेगा, डुअल सैटेलाइट जीपीएस का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है रियलमी वॉचेस प्रो के अंदर। उसके साथ दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन जो है उसको मॉनिटर करने का एक सुविधा दिया जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं SpO2, उसको अभी के टाइम पर मॉनिटर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। हार्ट रेट मॉनिटर फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है, 15 अलग अलग स्पोर्ट्स मोड्स देखने को मिलेगा। इवन उसके साथ आप लोगों को पावरफुल डुअल प्रोसेसर भी देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर द चीज़ अगर हम बात करते हैं कि ऑलमोस्ट जितने भी स्पेसिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है इसके अंदर, यहाँ पे आप लोगों को मेरे को नहीं लगता कि काफ़ी कम दिया गया, बहुत सारे चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रहा है इस वॉचेस प्रो के अंदर। ऑब्वियसली प्रो है तो वॉचेस जो था उसके अंदर जो था उसको काफ़ी इंप्रूव करके इस वॉचेस प्रो को बनाया गया है आप लोगों के सामने। इवन दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके वेट वगैरह का, तो 63 ग्राम का वेट है एंड 100 के आसपास आप लोगों को वॉच फेसेस देखने को मिल जाएगा। और मेरे को जितना दूर तक लगता है शायद यहाँ पे आप लोगों को कस्टमाइज वॉच फेसेस का भी कुछ ऑप्शन देने का चांस है, ये तो खैर देख पाएंगे। उसके साथ आप लोगों को मैग्नेटिक चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो अभी के टाइम पे शायद हर एक स्मार्ट वॉच पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ज़्यादातर जो थोड़ा प्रीमियम स्मार्ट वॉच होते हैं उसको। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को Android 5.0 के ऊपर ये चलता है, और अभी के टाइम पे इसको iOS के साथ iOS 9.0 के साथ एंड उसके ऊपर के साथ कनेक्ट करने का बात अभी के टाइम पे नहीं किया जा रहा, बट इन फ्यूचर धीरे धीरे शायद इसको भी इसके इस स्मार्ट वॉच के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जो Realme क्लाउड है उसको आप एक्सेस कर सकते हो इसके थ्रू। इवन दोस्तों यहाँ पे आप लोग आपके जो म्यूज़िक है उसको म्यूज़िक प्लेबैक जो उसको कंट्रोल कर सकते हो, फ़ोन कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो। उसके साथ आप लोगों को यहाँ पे 12 या 24 आवर्स का जो स्टॉप वॉच है वो देखने को मिल रहा है। उसके साथ वेदर फोरकास्ट मिल जाएगा, पावर सेविंग मोड देखने को मिल जाएगा। तो ऑल ओवर द अगर हम चीज़ बात करते हैं तो काफ़ी सारे अच्छे हैं ये, अच्छे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड, अच्छे फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है इस वॉचेस प्रो के अंदर। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे और एक जो वॉच एस है, वॉच एस सीरीज का, उसके साथ यहाँ पे आप लोगों को बड्स एयर प्रो जो है वो भी लॉन्च होने का बात चल रहा है। तो 23 दिसंबर को रियलमी की तरफ से ये जो डिवाइसेस है इसको लॉन्च किया जाएगा, तो ऑब्वियसली ये एक अच्छा खुशी का बात है। अब देखते हैं कि इसका प्राइस कितना रखा जाता है, मेरे को जितना दूर तक लगता है कि 4.5-5 हज़ार के आसपास शायद इस वॉचेस प्रो का प्राइस हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, ये मेरा श्योर प्राइस नहीं है बट ये मेरे को लगता है कि हो सकता है। अब खैर देखते हैं जब ये लॉन्च होगा तब इसका प्राइस कितना होता है। तो बस दोस्तों यही बोलना था Realme Watches Pro के बारे में। तो अगर आप लोगों को इन फ्यूचर किसी ने भी इसको खरीदोगे तो ऑब्वियसली मेरे को उसका एक्सपीरियंस शेयर करना, और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन का या मेरा इंस्टाग्राम को यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर DM कर सकते हो। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।